हाय दोस्त, तो आज हम जानेंगे कि कैसे अगर हमारा कंप्यूटर बिल्कुल लो कॉन्फ़िगरेशन का हो फिर भी हम रिजॉल्व को स्मूथली प्ले कर सकते हैं, उसमें 4K फुटेज प्ले कर सकते हैं। तो वो तमाम सेटिंग्स के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेटिंग, आप सेटिंग के अंदर आएंगे और उसमें मास्टर सेटिंग के अंदर जब आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्टिमाइज मीडिया एंड रेंडर कैस। तो इसके अंदर क्या करना है, तो इसके अंदर आप ऑप्टिमाइज मीडिया फॉर्मेट के अंदर, अगर आप विंडोज़ यूजर हैं, अगर आपके पास विंडोज़ का कंप्यूटर है उसमें आप करना चाहते हैं या विंडोज़ का लैपटॉप है उसमें करना चाहते हैं, तो DNN2HRSQ ऑप्टिमाइज मीडिया फॉर्मेट को आप कर देंगे। रेंडर कैश के अंदर भी DNN2HRSQ ये कर दिया हमने। लेकिन अगर आप मैक यूजर हैं, अगर आप मैकेंटोस यूज करते हैं, तो आप प्रोरेज 422LT सेलेक्ट करेंगे और रेंडर कैश के अंदर भी 422LT सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे आपके कंप्यूटर में यहाँ पे इनेबल बैकग्राउंड कैशिंग आफ्टर ये 5 सेकेंड्स होगा, इसको आप 1 सेकेंड कर देंगे और फिर इसको करेंगे सेव। पहला सेटिंग ये था। दूसरा सेटिंग, आप प्लेबैक के अंदर आएंगे और प्लेबैक के अंदर आकर के पहला ऑप्शन जो यूज ऑप्टिमाइज्ड मीडिया इफ अवेलेबल है इसको आप चेक कर देंगे। ये हो गया दूसरा सेटिंग। तीसरा सेटिंग, आप रेंडर कैश के अंदर आकर के नन है इसके जगह आप यूजर कर देंगे, ठीक है। ये हुआ 3 सेटिंग। अब चौथा सेटिंग, आपका जो भी फुटेज स्मूथली प्ले नहीं हो रहा हो, जैसे अभी आपको मैं ये प्ले कर रहा हूँ, ये देखिए स्मूथली प्ले नहीं हो रहा है इस कंप्यूटर में, ये लो कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है। तो इसको स्मूथली प्ले करने के लिए क्या करेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ये है चौथा सेटिंग कि जेनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखिए इसका वो एक रेंडर कैश कह सकते हैं या एक मेमोरी वो अपने अंदर बना रहा है। इसके बाद आपका कंप्यूटर कितना भी स्लो रहेगा तो यहाँ के बाद आपको स्मूथ प्लेबैक देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप इसके बाद कलर ग्रेड करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा नोट्स हम लगाते हैं, तो फिर एक सेटिंग और है जो आप कर लेंगे, तो आपके कितने भी नोट्स आप लगाएंगे, कितना भी प्लगिंग्स आप यूज करेंगे, तो भी आपका कंप्यूटर लो से लो भी हो तो भी वो वर्क करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ वो 5वां सेटिंग कौन सा है जो कलर करेक्शन करने के बाद भी रिजल्ट बिल्कुल स्मूथ देगा लो से लो कंप्यूटर में भी। तो अभी आप देखिए मैंने इसको जेनरेट ऑप्टिमाइज मीडिया कर लिया, अब इसमें आप देखेंगे तो एक स्मूथनेस आ गया होगा, जो पहले अटक अटक करके प्ले हो रहा था वो अब इजी प्ले होगा, स्मार्टली प्ले होगा। अब आपके सामने है, देखिए ये प्ले दे रहा है चीज़ों को, प्रॉपर चीज़ों को समझाना है तो प्रॉपर देखिए प्ले दे रहा है, 25 फ्रेम का प्ले दे रहा है, 25 फ्रेम का फुटेज है इसके लिए, 25 फ्रेम का प्ले दे रहा है। 5वीं सेटिंग, अगर हम मान लेते हैं इसमें कुछ कलर ग्रेड करता हूँ, मैं इसको हैवी बना देता हूँ, एक काम करता हूँ एक और नोड लेता हूँ, नोड लेने के बाद मैंने थोड़ा सा कलर दूसरी दिशा में ढकेला, फिर एक नोड लेता हूँ, इस पर मैं मास्किंग लगाता हूँ, मास्किंग के अंदर थोड़ा सेचुरेशन लो करता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ देखने दिखाने और समझने के लिए, फिर एक नोड लगाता हूँ, एड आउट साइड नोड लगाया, फिर आउट साइड नोड का कुछ कलर करेक्शन कुछ इस तरीके का कर देता हूँ, कुछ भी करता हूँ, फिर मैं एक पैरेलल नोड लगाता हूँ, कुछ भी करता हूँ इसके अंदर, कीइंग करूँगा, कुछ भी करूँगा। अगर मैंने ऐसा कुछ किया, मतलब कलर नोड पे मैंने काम किया और इसके बाद भी मैं इसमें स्मूथनेस प्ले चाहता हूँ, तो आपको एक सेटिंग और करनी है, ये फुटेज है ठीक है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए और इसमें एक सेटिंग है रेंडर कैश कलर आउटपुट, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ये इसको रेंडर करेगा। उसके बाद इसके ऊपर आपने जो भी इफेक्ट्स लगाया हो, आपका लो का लो कंप्यूटर भी, लो से लो कंप्यूटर भी क्यों ना हो, उसमें भी आपको स्मूथ प्ले देगा और दिखाएगा। तो ये था दोस्तों 5 सेटिंग्स। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन देंगे। आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।